जबलपुर में कर्मचारी कांग्रेस कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। कर्मचारी कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनका यह अभियान आने वाले समय में भी जारी रहेगा। होली के अवसर पर अनेक विभागों में वेतन का भुगतान नहीं हुआ, इसकी शिकायत कर्मचारी कांग्रेस ने उच्च स्तर पर की है। जबलपुर में कर्मचारी कांग्रेस के नेता संतोष मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी कांग्रेस अपने कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार प्रतिबद्ध है और एक के बाद एक कोशिश की जा रही है। महंगाई भत्ते को लेकर भी शासन को लिखा जा चुका है। वहीं होली के दौरान विभिन्न विभागों में वेतन न मिलने की शिकायत भी अधिकारियों से की है। मुख्यमंत्री जी को हमारी भेजी गई सभी समस्याओं को संकलित कर निराकरण हेतु प्रस्तुत किया है और हमें भी अवगत कराया है। हम मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग का धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि जब भी मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संगठन द्वारा राज्य कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर, स्थानीय समस्याओं को लेकर जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में राज्य शासन से किया जाएगा, ऐसी अपेक्षा है। और शीघ्र ही महंगाई भत्ते की जो हम लोगों की मांग है राज्य कर्मचारियों की, वो शीघ्र घोषित हो, यह हमारा संगठन का पूरा अनुरोध है और हमें उम्मीद है कि राज्य शासन इस बार ध्यान देगा। हमें भी अभी विगत दिनों माननीय मुख्य सचिव मंत्रालय को हमने ज्ञापन प्रेषित कर बताया है कि होली के पर्व में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण वेतन भुगतान नहीं हो पाया। स्थायी कर्मचारी जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनका वेतन यदि समय रहते बजट आवंटन की मांग कर ली जाती या उतना बचा के रखा जाता तो निश्चित रूप से हो सकता है कि उनका वेतन भुगतान हो सकता था, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कतिपय विभागीय अधिकारी निश्चित रूप से दोषी हैं, जो हमने राज्य शासन के समक्ष ऐसे विभागों के विरुद्ध जिन्होंने समय पर होली के पर्व में कर्मचारियों को मासिक वेतन भुगतान नहीं किया है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज।